नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में आज बात होगी कर्नाटक से लेकर बिहार तक की कुछ चुनिंदा खबरों पर, और बताएंगे कैसे कर्नाटक के बेलगांव में बच्चों के बीच क्रिकेट की लड़ाई बनी दो गुटों के बीच झड़प का कारण, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में मेडिकल स्टोर संचालक पर चलाई गई गोली, और बिहार के रोहतास में ऑटो और पिकअप वैन की टक्कर में दो की मौत, आधा दर्जन लोग हुए घायल। ऐसी तमाम खबरों पर बात होगी विस्तार से, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर कर्नाटक से है, जहां बेलगावी बेलगाव के शाहपुर इलाके के अलवान गली में बच्चों के बीच क्रिकेट की लड़ाई आफत बन गई और दो गुटों के बीच झड़प और पथराव भी हो गया। सुबह में हुई बच्चों के बीच क्रिकेट की लड़ाई जैसे तैसे दिन बीत गया, शाम तक ये लड़ाई दो गुटों में तब्दील हो गई, पथराव भी हुआ। कहा जा रहा है कि कुछ लोग इस लड़ाई के दौरान तलवार हाथ में लेकर घूम रहे थे। घटना में दो लोग घायल बताए जा रहे हैं। जैसे ही घटना सामने आई, शहर के पुलिस आयुक्त ने अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर इस स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस आयुक्त ने कहा कि विवाद नहीं कह सकते, दो लड़के आपस में क्रिकेट खेल रहे थे और भिड़ गए। फिलहाल दोनों समुदाय को समझा दिया गया है। ಅಳವನ್ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ತಲವಾರ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಆ ಜಗದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಸಿಸಿ ಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಸಿ ಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಯಿಂದ ಈಗ ನಾವು ಫುಟೇಜ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದು ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಈ ಸಿಸಿ ಟಿವಿ ಫುಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅದೊಂದು ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಆಕ್ಷನ್ ಸರ್. ಈ ತಲವಾರ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ಈಗ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಈಗ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕಂಪ್ಲೇಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ತನಿಖೆದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸಿ ಸಿ ಟಿ ವಿ ಫುಟೇಜಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಐವಿನಸಿಸಿಂದ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸರ್, ಯಾವ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನು ಮೇನ್ ರೀಸನ್? ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಸನ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ್ರು ಆ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಗಳ ಆಗಿದೆ. ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಅದು ಇದು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಒಂದು ಆ ಥರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಉದಾಹರಣೆ ಮಂಜು ಮೊಬೈಲ್ ಬರತ್ತೆ ಅಂತ ಘಟನೆಗಳಾಗಿ ಏನು ಕೂಡ ಆಗಿದಾವೆ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ಲೀಡರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ತಲ್ವಾರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಜರುಗಿಸೋದು, ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂಥದ್ದು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ, ಸೊ ಅಂಥವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅದು ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್? बेलगाम से सी न्यूज संवाददाता रमजान मुजावर की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र से, जहां माहूर क्षेत्र में एक होटल में एक ब्लास्ट हुआ जिससे होटल जलकर राख हो गया है, जबकि होटल मालिक नीलेश जायसवाल होटल की सामग्री बचाते हुए नजर आए और उनके साथ कई लोगों ने भी होटल की सामग्री को बचाने का प्रयास किया, लेकिन फिलहाल होटल जलकर खाक हो गया है। महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता गणेश खडसे की रिपोर्ट। खबर मैनपुरी से है, जहां परोखा में मेडिकल स्टोर पर बैठे संचालक को नामजद लोगों ने गालियां दी, जिसके बाद उसने इसका विरोध किया और विरोध करने पर उसके ऊपर गोलियां चला दी गई, जिस इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा लिखकर तलाश शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र के गांव परोखा निवासी कैलाश चंद्र गांव में ही मेडिकल स्टोर का संचालन करते हैं। बुधवार की रात को वो मेडिकल स्टोर पर बैठे हुए थे, तभी गांव के ही निवासी बंटू चौहान, लायकपुर निवासी दिलीप सिंह और सिरसागंज निवासी मेडिकल स्टोर की दुकान पर आए और गालियां देने लगे, जिसके बाद विरोध किया गया तो मेडिकल स्टोर संचालक पर गोली चला दी। क्या नाम है आपका? फिरमैन। कहाँ के रहने वाले हो? क्या घटना हुई आपके साथ? वो तीन लोग थे आए, कह रहे चाबी दो, मांगने लगे। मतलब कौन लोग थे? एक तो बंटी थे जी, और एक दिलीप और विवेक, वो चाबी मांगने लगे। मतलब चाबी क्यों मांगी आपसे, क्या कारण था? पैसे दिए। किस बात के पैसे? ऐसे ही बोलने लगे, फिर नहीं दी तो गाली आली देने लगे। क्या उधारी ली थी आपने क्या? नहीं नहीं कुछ। मतलब किस बात के पैसे मांग रहे थे आप? ऐसे ही मांगने लगे। ऐसे ही मांगने लगे दबंगई? हाँ, और फिर तमंचा निकाला, उसकी बटट मार दी।
और कह रहे रिपोर्ट करेगा तो तहरी जान से मार देंगे। कब की घटना आई है? कल रात थाने पे तहरी दी है आपने? तहरी दी थाने पे आपने? कार्रवाई को लेकर क्या आश्वासन दिया पुलिस ने? कार्रवाई करेंगे। मैनपुरी से सीनियर संवाददाता कुलदीप दीक्षित की रिपोर्ट। खबर रतलाम से, जो मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की मल्टी लेवल पार्किंग में गुरुवार देर रात देशी विदेशी शराब से भरी कार आती है। यहां तक ये कार कैसे पहुंचती है ये अनसुलझा सवाल है, लेकिन पुलिस शराब से भरी लॉक कार की चाबी लेकर आ गई है। कार से 67 पेटी देशी और अंग्रेजी शराब मिली है। मेडिकल कॉलेज में बेधड़क शराब से भरी गाड़ी आती है, लेकिन कोई इसे देखने वाला नहीं होता। मेडिकल कॉलेज के डीन के बंगले के पास से 50 मीटर दूर सामने स्थित डॉक्टरों की डी ब्लॉक में मल्टी लेवल पार्किंग है। इसके नीचे 202 पार्किंग नंबर में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर शैलेंद्र ढाबर गुरुवार शाम 7 बजे अपनी कार पार्किंग के लिए पहुंचे, लेकिन वहां पर पहले से ही कार कवर से ढकी हुई खड़ी थी। उन्हें शराब की बदबू आई। उन्होंने कॉलेज के अपने डॉक्टर साथियों और मेडिकल कॉलेज पुलिस को सूचना दी और मौके से वहां पर पहुंचे सब, जिसके बाद इस बात का खुलासा हुआ। इस विषय में आबकारी इंस्पेक्टर रतलाम पुष्पराज सिंह और IATI रतलाम राजेंद्र वर्मा ने क्या कुछ जानकारी दिया ये आपको सुनाते हैं। मेडिकल कॉलेज से शराब से भरी गाड़ी पकड़ी, आप लोग भी पहुंचे थे, क्या था, क्या कार्रवाई किया? प्रिंस वसंतीलाल टाक की जो दारू पकड़ाई है, उस दारू को पीछे हम लोग दो दिन से लगे थे, लगातार दो दिन से मेरे द्वारा कार्रवाई की गई थी। उसके पिताजी के विरुद्ध भी मेरे द्वारा कल प्रकरण पंजीबद्ध किया, जिसमें 36 कैन बियर पकड़ी गई थी। उससे पूर्व में इसके नौकर का भी केस बनाया गया, और उससे पूर्व में मेरे द्वारा 3 पेटी का केस का बनवाया गया था। लगातार मैं इसके पीछे पड़ा हुआ था, और मेरे पास में इनपुट था कि ये कहीं ना कहीं से माल ला के बेच रहा है। मुझे जैसे ही खबर मिली कि एक डी ब्लॉक में अननोन गाड़ियाँ खड़ी है, मेरा आरक्षक भगवतीलाल सोलंकी और हम मौके पर मौजूद हुए, जहाँ पर मेरे द्वारा इसको कवर हटा के इसको देखा गया कि ये किस तरीके की। पुलिस वहाँ चूंकि मौजूद थी, क्योंकि वहाँ पे चौकी मौजूद होने के कारण वहाँ पे आरक्षक की ड्यूटी लगी हुई रहती है, और वहाँ मौजूद रहते हैं वो लोग, तो वो भी वहाँ पे मौजूद थे। तो TI साहब द्वारा इसकी कार्रवाई की गई है, और हमारे द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई है, और इसमें जो भी कार्रवाई हो TI साहब आपको बताएंगे। उस आरोपी के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है, और वो बिजनेस लगातार शहर में नियम विपरीत दारू का व्यापार कर रहा है, इसको लेके क्या कार्रवाई करेंगे आगे? सख्त से सख्त कार्रवाई। ये जो आपको नतीजा मिला है, ये सख्त कार्रवाई का नतीजा ही है कि ये लोग छुप के इधर उधर से भाग के घबरा के ऐसे गाड़ियाँ इधर उधर छोड़ के जा रहे हैं। इसका नतीजा ही है कि हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। अगर हम लगातार कार्रवाई नहीं करते तो बिंदास घूमते और आराम से गाड़ी नहीं मिल पाती। ये गाड़ी इसीलिए इन्होंने छुपाई है इसी जगह, जहाँ कोई जाकर किसी का शक ना हो पाए। आपने मेडिकल कॉलेज के स्टाफ से भी कोई बात करी कि यहाँ पर कोई सुरक्षा की ऐसी व्यवस्था की जाए कि इस प्रकार से गाड़ी? ये काम पुलिस का है सर, ये हम लोगों का। इसके अलावा एक और मेरा क्वेश्चन है कि रतलाम शहर में ही आपके ये बंजली रोड पे कई ढाबे चल रहे हैं, वहाँ पे उसके खिलाफ मेरे पास कल कार्रवाई की गई। इसके अलावा सेलाना और बाजना राउटी क्षेत्र में भी बहुत बिक्री है, तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही? कार्रवाई भी होगी, लगातार में काफ़ी ढाबे चल जिसमें शराब बिक रही है जी। इसका जो कार्रवाई लगातार चली रही है, और आपने देखा भी चुनाव में हम लोगों ने भी बहुत बढ़िया कार्रवाई करी है, और लगातार हम लोग आपके माध्यम से हम इसका प्रचार प्रसार कर, और आपके सूचना संकलन होता है, हमें नंबर दे रखे हैं, उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, एक मेडिकल कॉलेज से शराब से भरी गाड़ी पकड़ाई है, क्या है मामला? ये देखिए, लगभग 8:30 बजे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि मेडिकल कॉलेज के डी ब्लॉक की पार्किंग में एक टाटा नेक्सॉन गाड़ी खड़ी हुई है, जिसमें कि शराब होना संभावित है। उक्त सूचना पर हमने वहाँ पे तस्दीक और कार्रवाई की, तो मालूम पड़ा कि एक टाटा नेक्सॉन गाड़ी जो कि लॉक थी, उसमें लगभग 68 पेटी देसी और विदेशी शराब भरी हुई थी। इसमें 60 पेटी देसी सफ़ेद शराब है और 8 पेटी बियर है। लगभग 540 बल्क लीटर शराब है, ये 2,40,000 कीमती है। और ये जो गाड़ी है, ये बसंती लाल पिता लक्ष्मी नारायण टांक निवासी सजावता की है। ये व्यक्ति को हमने कुछ दिन पहले ही शराब बेचने के केस में बंद किया था, तो ये इससे हमारे पुलिस वाले परिचित थे। उक्त गाड़ी की तस्दीक की जा रही थी, तभी वहाँ पर जो आरोपी है प्रिंस पिता बसंतीलाल टाक, जो कि बसंतीलाल का लड़का है, ये भी मेडिकल कॉलेज में संदिग्ध अवस्था में घूमता हुआ मिला था। इसको जब हमने हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो इसने स्वीकार किया कि ये दारू जो है उसके घर पर रखी थी, जो उसने संभवतः डर के मारे गाड़ी में रख के और वहाँ पर मेडिकल कॉलेज की पार्किंग में खड़ी कर दी थी। तो ऐसे तो सर, कोई भी मेडिकल कॉलेज में कोई भी जाए गाड़ी खड़ी कर देगा, फिर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या जिम्मेदारी होती है? देखिए, मेडिकल कॉलेज पर हमारी एक चौकी संचालित है, लेकिन
मेडिकल कॉलेज के गेट पर कोई गार्ड की व्यवस्था नहीं है, ना ही वहाँ पर गाड़ियों की ऐसी एंट्री की जाती है। संभवतः चूँकि मरीज लोग वहाँ जाते हैं विभिन्न वाहनों से, और इसी कारण से वो गाड़ी चली गई होगी, किसी ने रोका नहीं होगा। कितने आरोपी इसमें? एक आरोपी। इसमें एक और आरोपी बताया जो पुलिस का लड़का है? नहीं, अभी फ़िलहाल हमने मौके से प्रिंस पिता बसंती लाल को हमारे राउंड अप किया है, हिरासत में लिया है। बाकी उससे पूछताछ की जाएगी आगे की विवेचना में पता चलेगा कि उसमें और कौन शामिल है। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। खबर बिहार के रोहतास से है, जहां पर बड़ी खबर सामने आई। रोहतास जिले के जखनी गांव में जहां जलनी पुल के पास ऑटो और पिकअप में टक्कर होने से दो लोगों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घटना सासाराम आरा पथ पर नोखा थाना क्षेत्र के जखनी पुल के पास की बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए सदर अस्पताल सासाराम में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घायलों का इलाज सासाराम सदर अस्पताल में फिलहाल चल रहा है। देखे थे यहाँ जबर टक्कर हुआ, जिसमें टेम्पो और पिकअप लड़ा, और उसके मौके पे 112 वाला गाड़ी आया था, और वह देख के अचानक फिर भाग गया। वो तो सभी पब्लिक लोग जुटे यहाँ पे, जुटने के बाद सब लोग लात लूट के विदा किया गया टेम्पो से। प्रशासन के द्वारा कुछ यहाँ पर गाड़ी पे बिठा के नहीं भेजा गया। क्या नाम है? मेरा नाम है रिशु सिंह। बिहार के रोहतास से सीनियर संवाददाता शशिकांत की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।